नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम के कारण कई बार लोगों को सर्दी जुखाम खांसी हो जाता है, सूखा खांसी हो जाता है, बलगम जम जाता है, कफ हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी सहायता से आप सर्दी खांसी कफ को दूर कर सकते हैं। खास करके सूखी खांसी के लिए यह नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सर्दी खांसी एक ऐसा बीमारी है जो एक बार हो जाता है तो जल्दी जाता नहीं है। खास करके जब खांसी एक बार हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको लेना है वह लेना है दोस्तों अदरक। अदरक के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे यह हमारे शरीर से खांसी को दूर कर देता है। और दोस्तों, ज़्यादातर भारतीय रसोई के घर में अदरक आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अदरक को ले लीजिए, इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसके रस को निकाल दीजिए। हमने इस तरह से इसके रस को निकाला हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग इस नुस्खे के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन दोस्तों यह नुस्खा जो है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको सूखी खांसी की समस्या हो गई है, कफ हो गया है। आप इस तरह से अदरक के रस को निकाल लीजिए। और आपको यहाँ पर इसमें दूसरा चीज़ लेना है, ये दोस्तों शहद। आप किसी अच्छे ब्रांड का यहाँ पर शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा ही फायदा मिलेगा। या अगर आपके आसपास कहीं पर शुद्ध शहद मिल जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करें। आपको एक से दो बार में ही खांसी से निजात मिल जाएगा, कफ से छुटकारा मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक चम्मच की मात्रा में शहद लें और थोड़े ही मात्रा में आप यहाँ पर अदरक का रस लें। दोनों की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए, शहद ज़्यादा होना चाहिए और अदरक का मात्रा बहुत ही कम होना चाहिए। इस तरह से डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, बच्चा बुजुर्ग, लेकिन सबका डोज अलग अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसका सेवन किस तरह से करना है। इस तरह से मिलाने के बाद अगर आप किसी नौजवान पुरुष को देना चाहते हैं तो एक चम्मच की मात्रा में सुबह और एक चम्मच की मात्रा में शाम, जिस तरह से आप कोई सिरप लेते हैं कफ को दूर करने के लिए, उस तरह से आप इसका प्रयोग करें। और अगर आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा एक चौथाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसका सेवन सुबह खाली पेट न करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। खाना खाने के बाद आप इसका सेवन करें सुबह और शाम, देखेंगे खांसी ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। पसंद आया हो यह जानकारी तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास शेयर करें। हम आपसे जल्दी जुड़ते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।